हेलो एवरीवन, माय सेल्फ देवकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जगाधरी। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फ्रॉम द यूनिट डिजाइनिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड द टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस इन टुडेज लेक्चर इज रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स RCT। And after that, we will study about crossover studies and experimental study of populations. In last lecture, we have studied about the observational studies. What are the observational studies? And a word comes from the observational study is the confounding factor or confounding effect. Now, we must know about the confounding factor or confounding effect. It is the factor which affect the outcome of a disease is known as confounding factor or confounding effect, and it is equally distributed in both the groups. Means ये वो factor होते हैं जो किसी disease की outcome को affect करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, confounding factors बोलते हैं। लेकिन observational studies जो होती हैं, जो हमने last lecture में की है, उसमें क्या होता है कि जो कंफाउंडिंग फैक्टर्स है वो इतना कुछ मतलब ऑब्जर्वेशन स्टडीज उस पे उसके लिए सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। नाउ वी हैव स्टडी वी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कंफाउंडिंग फैक्टर्स। नाउ इन ऑब्जर्वेशन स्टडीज आर फ्यूर ससेप्टेबल टू द कंफाउंडिंग एज इट इज इजी टू डिटरमाइन हु इज एक्सपोज्ड and who is unexposed. But when the exposure is done randomly and persons or number of groups are randomized in a large number, then the unrecognized confounding effects becomes statistically unlikely. That's why we have to do our experimental studies in a randomized controlled trials form. Randomized controlled trial is शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोल सकते हैं RCT। नाउ व्हाट इज रैंडमाइजेशन? रैंडमाइजेशन इट इज द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस और प्रोसीजर बाय विच पार्टिसिपेंट्स आर एलोकेटेड इनटू टू ग्रुप्स टू रिसीव और नॉट टू रिसीव एक्सपेरिमेंटल और प्रिवेंटिव और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस। तो रैंडमाइजेशन क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होती है या प्रोसीजर होता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको दो ग्रुप में एलोकेट करते हैं, दो ग्रुप में उनको डिवाइड कर लेते हैं। एक दोनों में से किसी एक ग्रुप को या तो अपना जो मेडिसिन है जिसका हम ट्रायल कर रहे हैं वो रिसीव होगी, उनको उनको देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस दिस इज नोन एज रैंडमाइजेशन। Now, what is experimental studies or randomized control trials? इसको हम simple language में इस तरीके से divide कर सकते हैं। जो randomized control trial होता है, for example, जब कभी कोई drug हमें उसका कोई trial करना है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे cohort होते हैं, cohort means the group of people having same disease, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने जो पॉपुलेशन है, कोहोर्ट को ही पॉपुलेशन भी बोलते हैं, उसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वन ग्रुप इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल और स्टडी ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो हम ग्रुप बनाते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं, फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल और स्टडी ग्रुप एंड सेकेंड इज कंट्रोल ग्रुप और प्लेसिबो ग्रुप। अब व्हाट इज प्लेसिबो? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो वो हो गया जिसको हम अपनी मेडिसिन देंगे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास या हम किसी ऐसी टैबलेट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना चाहते हैं जो क्या करती है, वो ऐसे पेशेंट को या ऐसे पेशेंट पे यूज की जाती है या जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है जो 102 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले क्या होगी, हम एक ऐसी पॉपुलेशन को सर्च करेंगे
या ऐसे पेशेंट्स को सर्च करेंगे जिनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 102 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हम उन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड सेकेंड इज कंट्रोल ग्रुप और प्लेसिबो ग्रुप। मीन्स एक ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं जिसको हम वो टेबलेट, वो अपने ड्रग देंगे और उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको, जो डाटा है वो कलेक्ट करेंगे। लेकिन जो सेकेंड ग्रुप है उसको हम क्या करेंगे, एक सिंपल फॉर्म में एक ऐसी टेबलेट देंगे जिसमें कुछ है ही नहीं, मतलब कि वो सेप, उसकी सेप, उसका साइज मैच करता है हमारी ओरिजिनल ड्रग से। मीन्स जो सब्जेक्ट है उसको नहीं पता हमने क्या दिया है, ठीक है। तो दिस इज द कंट्रोल ग्रुप। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी अगर फर्दर इसको हम देखें अपने आज के लेक्चर को, तो इसमें तीन वर्ड जो हमेशा यूज होते हैं, फर्स्ट इज रैंडम, सेकेंड इज कंट्रोल एंड थर्ड इज ट्रायल। फर्स्ट इज रैंडम, सेकेंड इज कंट्रोल एंड थर्ड इज ट्रायल। तो रैंडम में क्या होता है, जो रैंडमाइजेशन होता है, जो रैंडम होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इट एलिमिनेट्स सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस मतलब कि जो सिलेक्शन करते हैं जो हम सब्जेक्ट्स का, वो अनबायस्ड होता है, ठीक है। बायस का मीनिंग क्या होता है, पक्षपात, और अनबायस का मीनिंग क्या होता है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। और ये क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हम सबसे पहले ऐसे ही, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपको कि हम, हमारी जो टेबलेट है वो किस पे इफेक्ट शो करेगी, जिस सब्जेक्ट का टेम्परेचर 102 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे ही पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ही तो उनको डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में, ठीक है। नंबर टू, इट एंश्योर्स द कंपेरिबिलिटी। इट एंश्योर्स द कंपेरिबिलिटी। व्हाई इट एंश्योर्स द कंपेरिबिलिटी, इट एंश्योर्स द कंपेरिबिलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ द कंफाउंडिंग फैक्टर्स। कंफाउंडिंग फैक्टर्स का अगर हमें पहले से पता हो तो क्या हो जाता है, तो इट एंश्योर्स द कंपेरिबिलिटी, ठीक है। एंड इन रैंडम रैंडमाइजेशन देर इज इक्वल एंड नोन चांस टू बी एलोकेटेड इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। मतलब देर फॉर एनी सब्जेक्ट इन रैंडमाइजेशन देर इज एन इक्वल एंड नोन चांस टू बी एलोकेटेड इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और द कंट्रोल ग्रुप। सो दिस इज ऑल अबाउट द रैंडमाइजेशन कंट्रोल। अब बात कर रैंडमाइजेशन, सेकेंड इज कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल एक ऐसा ग्रुप होता है, कंट्रोल इज नथिंग बट ए कंपेरिजन ग्रुप। क्योंकि कंट्रोल में हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को एक, ये लगा लीजिए मैंने टैबलेट का आपको एग्जांपल दिया, टैबलेट के लिए हमें सेम वैसे ही साइज की, सेप की और उतनी ही वेट की टैबलेट देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको एक सिंपल वे में एक कैप्सूल से कंपेरिजन करूँ, तो हमने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हमने क्या दिया, कैप्सूल दिया, कैप्सूल के अंदर हमारी जो ड्रग है उसको फिल करके दिया। लेकिन अगर कंट्रोल ग्रुप की बात करूँ, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, कैप्सूल सेल्स की जो बॉडी और कैप है उसको ओपन किया, उसके अंदर की ड्रग को निकाला या उसके अंदर फिल ही नहीं किया कुछ भी, खाली हमने कैप्सूल सेल को उसको दे दिया। तो वो होता है कंट्रोल ग्रुप। और कंट्रोल ग्रुप इज नथिंग बट ए कंपेरिजन ग्रुप। कंट्रोल हमेशा एक कंपेरिजन के लिए हमने लिया है। थर्डली, वैसे तो ट्रायल थर्ड नंबर पे आता है, ट्रायल, और ट्रायल वाला जो टॉपिक है इट्स ए वाइड टॉपिक, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट लेक्चर, बट हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में भी। व्हाट इज द ट्रायल, ट्रायल कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी क्लिनिकल ट्रायल, इट कैन बी थेराप्यूटिक ट्रायल एंड इट कैन बी कम्युनिटी ट्रायल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्रॉस ओवर स्टडीज। क्रॉस ओवर स्टडीज क्या होती है, एक मॉडिफिकेशन होती है किसकी, आरसीटी की। आरसीटी में अगर हम थोड़ा बहुत क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है हमारा क्रॉस ओवर स्टडीज, ठीक है। तो अगर हम आरसीटी में रेंडमाइज कंट्रोल डिज़ाइन में या रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में क्या कर देते हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस ओवर स्टडीज। क्रॉस ओवर डिज़ाइन इज द रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द
randomized control trial, and this is mainly valuable when the result is measured by the reports of subjective symptoms. Next is experimental studies. What is the experimental study of populations? ठीक है, experimental study of population. The experimental studies allocate and compare the treatment among these separate subjects, and then it is also imaginable to carry out experimental interventions at the level of the populations. Therefore, when the number of populations under assessment is small, then randomization might not be useful. Randomization is only useful when the number of the population is large, and in its place it may be improved to allocate interventions in a pre-planned way to confirm maximum comparability among different intervention group. So this is the experimental study of the population. Thank you.